गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास, क्लास फिफ्थ विद यूनिट 11, दैट इज़ टाइम एंड एक्सरसाइज 11.2। सो लास्ट हमने एक्सरसाइज 11.1 की थी, आज हम अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट दैट इज़ 11.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम यूनिट्स। आपको ये जो टाइम दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास 20 मिनट को आपको सेकंड में चेंज करना है। आपको पता है सबसे बड़ा होता है हमारे पास आर, फिर होता है मिनट, फिर होता है आपके पास सेकंड्स, ठीक है। आपको क्या करना है, मिनट टू सेकंड में कन्वर्ट करना है। मिनट टू सेकंड में कन्वर्ट करेंगे देन हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपको 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको 20 को 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 12 1020, तो 1200 आपका सेकंड इसका क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, सो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। सिमिलर विल स्टार्ट अवर सेकंड पार्ट, दैट इज़ यहाँ पे आपके पास सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है 6 1/2 मिनट, ठीक है। 6 1/2 मिनट्स के अंदर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको देखना है 6 1/2 मिनट्स में हाउ मेनी सेकंड्स यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। सो इसमें भी हमें मिनट टू सेकंड में जाना है, तो आपको क्या करना है, 6 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे 60 के साथ। आप इसको टू वे से कर सकते हो। फर्स्ट मेथड यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि पहले आप 6 को 60 से करो, 6 मल्टीप्लाई 60 प्लस फिर 1/2 को 60 से करो, 1/2 मल्टीप्लाई 60। देखिए 6 6 जा 36, 3 6 0 आ गया। जब आप 60 को 2 से डिवाइड करते हो तो ना आप देख सकते हैं 60 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, ठीक है, और ये 10 जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो इन दोनों का इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 30। तो देखिए 360 और 30 आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 0 का 0 9 3 390 हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, ठीक है। 6 1/2 मिनट में आपके पास 390 सेकेंड इसका आंसर आएगा। सो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 390 सेकेंड। सो यहाँ पे आप इसको सेकेंड वे से भी कर सकते हो। इसका जो हमारा सेकेंड मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 6 1/2 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 6 2 12 12 और 1 13 13, अपॉन में जो डिजिट है वैसे की वैसे ही आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गया 60। अभी आप क्या करोगे, 60 को 13 से या तो मल्टीप्लाई कर लो या पहले 2 को 60 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आगे 0। अब 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो आ जाएगा आपका आंसर। ओके, 390 हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये हमारा सेकंड मेथड था, ये फर्स्ट मेथड था, चॉइस आपकी है, आप कोई भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो मिनट टू सेकंड के आप थर्ड पार्ट जो है वो आप ट्राई करेंगे। फोर्थ जो है वो है इसका आर टू सेकेंड में, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है 4R को किस में चेंज करना है, 4R को सेकंड में चेंज करना है। जब आपको R टू सेकंड में जाना है तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे पता है 1R = 60 होते हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे 4R को करना है, R टू डायरेक्ट सेकंड में जाना है, R उसके बाद आता है आपके पास मिनट, उसके बाद आता है आपके पास सेकंड। डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाई आ गया आपके पास 3600। देन अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 4 0 ज़ा 0 4 0 ज़ा 0, 6 4 ज़ा 24 24 का 4 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 13 14, तो 14400 इसका आंसर है। 14400 सेकेंड इस क्वेश्चन का क्या है, हमारा आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा इसका फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपके पास क्या गिवन है कि आपको क्या करना है, 2 3/4 आर को किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है आपको सेकेंड्स में, ठीक है। आपको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आप इसको टू वे से कर सकते हैं। फर्स्ट है कि आप 2 को मल्टीप्लाई करो सबसे पहले 3600 से, फिर प्लस 3/4 को मल्टीप्लाई करो 3600 से। जब आपने इन टू टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जब आप इन टू टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप देखिए 2 0 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12 12 का 2 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 7200 हमारी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट टर्म जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4 को 3600 से डिवाइड करो। 3600 को मैंने 4 से डिवाइड किया,
9 4 36, रिमाइंडर कुछ नहीं, ये 20 रहेगी, ये ऊपर आ गई। देखिए इन दोनों को डिवाइड करने पे आ गया 900 और ये 3 है, 3 मल्टीप्लाई 900, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2700 आपके पास वैल्यू आ गई। इधर था हमारे पास 7200, इधर है हमारे पास 2700। अब इसको प्लस कर लेते हैं, देखिए 0 का 0, फिर भी नेक्स्ट 0 का 0, 7 8 9 7 8 9 9900। हमारा सेकंड इस क्वेश्चन का क्या आ गया, 9900 आपका क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, सो यहाँ पे आपका ये फिफ्थ पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट जो है इसका वो आप ट्राई करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका सेवन्थ पार्ट। ओके, सो सेवन्थ पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, देखिए सेवन्थ पार्ट में उसने आपको बोला है 29,500 सेकेंड्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, आर में चेंज करना है। आपको पता है सेकेंड स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 29500 को अगर हम 3600 से डिवाइड करेंगे तो आपका 20 से 20 कट हो गया, रह गया 295 इज़ डिवाइडेड बाय 36। अभी आपको क्या करना है, 295 को 36 से डिवाइड करना है, डिवाइड कीजिए, देखिए आपके पास कितना आंसर आ रहा है। देखिए 36 8 ज़ा आपके पास 288 आ रहा है। अभी आप क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे।